डियर स्टूडेंट, प्रगति कॉन्वेंट ने यूट्यूब के माध्यम से चालू करा है सिलेबस आप लोगों का। हर क्लास में आपको सिलेबस मिलता जाएगा, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स सभी का मिलता जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं 10th में मैथ्स की। मैथ्स में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले बात करेंगे किस चीज की, राइट एंगल ट्रेंगल की। राइट एंगल ट्रेंगल वो होता है जो 90 डिग्री पे बेस होता है। जैसे इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी बी मैंने एक नाम दे दिया, ये 90 डिग्री पे बेस है। ये इसका हाइपोटेनस होता है, ये इसका परपेंडिकुलर होता है और ये इसका बेस होता है। हाइपोटेनस को हम बोलते हैं हिंदी में कर्ण, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं हम आधार। अब आगे हम बात करते हैं पाइथागोरस के नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर करा था बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या डिस्कवर करा था उन्होंने? डिस्कवर करा था कि जो एच होता है, एच का जो होल स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब जो कर्ण होता है वो लंब प्लस आधार के बराबर होता है। आगे अब हम बात करने वाले हैं, आज मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूँ, 35 फॉर्मूले बताना है और वो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करोगे और नेक्स्ट डे चेक भी कराओगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ से बनता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए अब इसमें ये आपके 6 फॉर्मूले इससे बन जाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से 6 फॉर्मूले कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसमें नाम याद करना है, वो देखिए क्या नाम रहेगा। पहला नाम साइन थीटा, दूसरा नाम होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, देन नेक्स्ट होता है कोसेक थीटा, फिफ्थ होता है सेक थीटा और फिर देन नेक्स्ट होगा कॉट थीटा। ये 6 नाम आपको अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये नाम आपके लिए थोड़े से नए हैं, ठीक है? आगे हम बात करते हैं साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मतलब लंब अपॉन में कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच, और टेन थीटा क्या होता है, इसे बी अपॉन में बी। कॉसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा करते जाइए, एच अपॉन में पी, एच अपॉन में बी और देन बी अपॉन में पी। ये आपके 6 फॉर्मूले हो गए जो आपको आइडेंटिटी प्रूफ करने में भी हेल्प करेंगे, आगे इस चैप्टर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी हेल्प करेंगे, ठीक है? ठीक है, आगे हम अब बात करते हैं आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज ये बहुत आपको आगे काम भी करेगा, 11th 12th में भी काम करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वसमिका। मैं आपको दोनों माध्यम में पढ़ा रहा हूँ, आइडेंटिटीज को बोलते हैं सर्वसमिका। पहली जो आइडेंटिटी हमारी मेन होती है उसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी होती है। इससे मैं 5 फॉर्मूले आपको बना के बताऊंगा, ये मेन आइडेंटिटी होती है। दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी 3 आइडेंटिटी होती है। इससे 5 फॉर्मूले मैं आपको बना के बताऊंगा, ठीक है? तो ये ध्यान से देख लीजिए। जैसे अब मैं ले रहा हूँ पहली आइडेंटिटी, आप ध्यान से देखेंगे मैंने यहाँ पे ली है पहली आइडेंटिटी, इससे मैं 5 बनाने वाला हूँ। ये पहला तो खुद ही एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड देखिए आप, साइन को मैं उधर भेज रहा हूँ, जब साइन इधर प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा देखिए आप, कॉस को भेजा वैसे ही अब किसको भेजूंगा, साइन को उधर, साइन को भेजा है अब, साइन को इधर रहने देते हैं हम, कॉस को भेजते हैं। तो जब कॉस उधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फोर्थ फॉर्मूला बनता है आपका, यहां से स्क्वायर हटेगा, जब स्क्वायर हटता है और उधर जाता है तो क्या लगता है, रूट लगता है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फोर्थ फॉर्मूला बन गया। फिफ्थ फॉर्मूला आपका बन जाएगा, यहां से ऐसे ही स्क्वायर हटेगा और उधर जाके क्या लगेगा स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको इधर का रूट नहीं हटाना है, केवल स्क्वायर हटा और उधर जाके रूट लगा।